दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे 2000 में रिलीज हुई एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है मेला। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं आमिर खान, ट्विंकल खन्ना, फैसल खान, टीनू वर्मा, अयूब खान, जॉनी लीवर, परमीत सेठी, अर्चना पूरन सिंह, टीकू टलसानिया, असरानी और तन्वी आजमी। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर्स हैं धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, नीरज बोरा, संजीव दुग्गल और रॉबिन भट्ट। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है धर्मेश दर्शन ने, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं गणेश जैन। आप बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो ये कहानी है चंदनपुर नाम के एक गांव की, जहां राम सिंह यानी अयूब खान, जो एक सोल्जर है, और वो अपनी बहन रूपा यानी ट्विंकल खन्ना की शादी करने के लिए वापस अपने गांव लौटा है। और वो अपनी बहन की शादी की खुशी में गांव में एक मेला लगवाता है, और फिर इस मेले पे कुछ डकैतों का हमला हो जाता है, जिसमें राम सिंह अपनी बहन को गुज्जर सिंह यानी टीनू वर्मा से बचाने में अपनी जान से हाथ धो बैठता है, और गुज्जर से बचने के लिए रूपा खुदकुशी की भी कोशिश करती है, मगर वो बच जाती है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी में एंट्री होती है किशन और शंकर की, जिनके किरदारों में हमें आमिर खान और फैसल खान दिखाई देंगे। और इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। अब बात करें इस फिल्म की डायरेक्शन के बारे में, तो मेला एक रिवेंज प्लॉट पे बेस्ड फिल्म है, जिसे डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने अपने वक्त के हिसाब से काफ़ी हाई स्केल पे बनाया है। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक मेला एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसकी स्टोरी प्रेजेंटेशन रिपीटिशियस ज़रूर है, लेकिन वर्थ टू वॉच भी है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें, तो मेला एक मसाला फिल्म है, जिसमें राइटर्स ने काफ़ी मिक्स्ड अप्रोच के साथ इस फिल्म को लिखा है, जहाँ इस फिल्म का फर्स्ट हाफ शुरू में ही स्टोरी को इस्टेब्लिश कर देता है, और साथ ही साथ करेक्टर्स को भी डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, और फिर सेकेंड हाफ में हमें रोमांटिक ड्रामा के साथ साथ रिवेंज एंगल भी देखने को मिलता है, और ओवरऑल ये स्क्रीन प्ले काफ़ी इंगेजिंग और एंटरटेनिंग साबित होता है। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें, तो इस फिल्म के कॉमिक पंच लाइनर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन सीरियस डायलॉग्स काफ़ी ड्रामेटिक और फिल्मी साबित होते हैं। और एक्शन की बात करें, तो इस फिल्म में हमें आइकॉनिक फिल्म शोले कैटेगरी के एक्शन सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जो हाईली एंटरटेनिंग साबित होते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक की बात करें, तो फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है, जहां इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और साउंडट्रैक दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त हैं। ख़ास तौर पे टाइटल सॉन्ग मेला दिलों का आता है, तो अपने वक्त का काफ़ी मशहूर गाना है, जिसे आज भी लोग बेहद शौक से सुनते हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो आमिर खान इस फिल्म में काफ़ी वैरायटी ऑफ रेंज के साथ नज़र आए, जहां उन्होंने कॉमिक और रोमांटिक एस्पेक्ट्स के साथ साथ एक्शन एरिया को भी काफ़ी अच्छे से कवर किया और बेहद रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी। और बात करें ट्विंकल खन्ना की, तो वो इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरत नज़र आईं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो वो काफ़ी एवरेज और एक्सट्रीमली ड्रामेटिक वे में परफॉर्म करती नज़र आईं। इसके अलावा टीनू वर्मा की बात करें, तो टीनू वर्मा एज अ विलन इस फिल्म में शोले के आइकॉनिक कैरेक्टर गब्बर से इंस्पायर नज़र आए, लेकिन इस अप्रोच के बावजूद भी उनका काम काफ़ी एवरेज रहा। और बात करें फैसल खान की, तो फैसल खान इस फिल्म में अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रॉर्डनरी इम्पैक्टफुल नज़र आए, और उनकी परफॉर्मेंस भी काबिले तारीफ रही। इसके अलावा जॉनी लीवर और फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो मेला एक एंटरटेनिंग मूवी है, जो एक अच्छी रिपीट वैल्यू भी रखती है।
तो दोस्तों मेला मूवी मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा। आप सब भी एंटरटेनमेंट के लिए एक बार इस मूवी को देख सकते हैं।